भक्तजनों को नमस्कार। तो हम आए थे काशी पर्वत मंदिर के समीप में। यहाँ में उपस्थित काशी में 56 विनायक में एक मोद विनायक, तो इनका दर्शन कर लीजिए। ये विनायक उपस्थित है भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में। तो हम इस शिवलिंग को देखते हैं, ये ठीक गंगा किनारे के समीप में है, तो इनका दर्शन करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो भक्तों को ऊपर से ही दर्शन करना पड़ेगा महादेव जी का। ओनली पंडित जी को ही अलाउड है दर्शन करने के लिए और पूजन करने के लिए। बाहर से ही भक्त लोग यहाँ से सीढ़ियाँ पर खड़े रह के महादेव का दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस मंदिर प्रांगण में ऐसा है कि इसी प्रांगण में हम 56 विनायक में एक मोद विनायक का दर्शन कर सकते हैं, और उनके साथ साथ काशी में उपस्थित 12 ज्योतिर्लिंग में एक भीमेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। तो काशी पर्वत मंदिर का क्या मान्यता है और क्या विशेषता है, आइए हम जानते हैं पंडित जी की वाक्यों से द्वारा। तो तब तक के लिए हम कर लेते हैं मंदिर का दर्शन। यह मंदिर में हर एक पूजा होते हैं, जैसे रुद्राभिषेक पाठ, पूजा पाठ, और महाशिवरात्रि के समीप महापार्वती दिन के ऊपर रुद्राभिषेक होता है। अन्य विशेष दिन पर भी पूजा पाठ और सभी दुर्गा देवी मंदिर दुर्गा देवी का पूजन भी यहाँ पर कर सकते हैं भक्त लोग। तो जब भीमेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ पे विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग में एक काशी पर्वत मंदिर भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग, और 56 विनायक में 7 मोद विनायक यहाँ पे भक्तों को दर्शन करने में मिलता है। तो आइए हम यहाँ मंदिर की महंत जी पूछताछ कर लेते हैं। तो मंदिर की मान्यता और विशेषता के बारे में जानकारी के लिए नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, थोड़ा सा परिचय दीजिए आपकी और यहाँ की मंदिर की विशेषता और काशी क्षेत्र का महत्व के बारे में बताइए पंडित जी। मैं गणेश शंकर उपाध्याय जी, वर्तमान में भीमेश्वर महादेव की सेवा करता हूँ जी। और काशी ऐसा क्षेत्र है कि पूरे जगत में सनातन धर्मियों का एक प्रमुख स्थान है काशी। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दे उसे काशी कहते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में जो परिवर्तित कर दे उसे काशी कहते हैं। यह काशी शब्द का अर्थ जो ज्ञात है, काशी का क्षेत्र 25 कोस बोलते हैं, पंचक करो से, वो 25 कोस की परिधि है। काशी का प्राचीन नाम आनंदवन है। भगवान शिव ने काशी की संरचना स्वयं और जगदम्बा के विहार के लिए किया था। इतनी मनोहर काशी है कि इस काशी को भगवान शिव के ही एक भक्त ने भगवान शिव से वरदान में मांग लिया। यह द्वापर काल की घटना है जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में आता है। दीवोदास ने वरदान में काशी मांग लिया भगवान शिव से, और भगवान शिव ने काशी प्रदान कर दिया दीवोदास को, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में, जिसमें उन्होंने यह कहा कि जब तक तुम धर्म प्राण होगे तब तक तुम काशी का उपभोग कर सकते हो, राजा होगे। जिस दिन तुम धर्म पथ से विरत होगे उस दिन तुमको काशी छोड़ना पड़ेगा। बहुत लंबी कथा है, काशी खंड में इसका विशेष उल्लेख है। कालांतर में भगवान शिव को भगवान गणपति और विष्णु के सहयोग से पुनः काशी वापस आना हुआ। भगवान शिव ने दीवोदास को मोक्ष प्रदान किया, और जब दोबारा काशी आगमन हुआ भगवान शिव का, उस समय बहुत बड़ा उत्सव हुआ काशी में। उस उत्सव में जितने भी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, तीर्थ, सरोवर, नदी
ये जितने भी हमारे यहाँ उल्लिखित हैं सभी लोग उस उत्सव में सम्मिलित हुए। उसी समय द्वादश ज्योतिर्लिंग अष्टविनायक प्रधानता है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हमारे यहाँ काशी में अष्टविनायक का 7 आवरण होने से 56 विनायक बोलते हैं। तो 56 विनायक का भी उसी समय उद्भव हुआ काशी में। 9 गौरी, 9 दुर्गा, अष्टभैरव, द्वादश आदित्य, 64 योगिनी, ये सभी जो है काशी में वर्तमान में भी उपस्थित हैं। द्वादश आदित्य का स्थान काशी के अन्यत्र पूरे भूमि पे कहीं नहीं मिलेगा। यह द्वादश आदित्य आपको सिर्फ और केवल काशी में ही उल्लिखित हैं और यहीं इनका सभी स्थान आज भी अवस्थित है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी बोलते हैं। अवि का अर्थ होता है पाप, यह पाप मुक्त क्षेत्र है। काशी में कोई भी व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो उसके द्वारा किए गए सभी पाप उसके शरीर को छोड़ करके काशी के बाहर ही रह जाते हैं, निष्पाप होकर के व्यक्ति काशी में प्रवेश करता है। काशी मुक्ति दायिनी है। भगवान शिव काशी में जीव मात्र को मुक्ति प्रदान करते हैं, कोई भेद नहीं करते हैं वह मनुष्य है या कीट हो या पशु हो या पक्षी हो, जीव मात्र को एक समान मोक्ष प्रदान करते हैं। वैसे तो 7 मोक्षपुरियों का वर्णन है हमारे यहाँ, अयोध्या, मथुरा, माया, माया हरिद्वार को बोलते हैं, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है, और द्वारिकापुरी। 7 मोक्षपुरियों का वर्णन है, लेकिन इन 7 मोक्षपुरियों में काशी की ही प्रधानता है। वह इसीलिए है कि काशी में बगैर बिना किसी प्रयास के मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जीव कोई प्रयास न करे, बगैर किसी प्रयास के वह मरता है, मात्र इससे ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा बहुत से पुराणों में उल्लिखित है, प्रमाण है इसके, और आज के समय में भी इसकी प्रबल मान्यता है। पूरे विश्व से सनातन धर्मी आज के समय में भी जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष की कामना रखते हैं, अपना अंतिम समय काशी में ही आकर के व्यतीत करने का प्रयास करते हैं कि हम यहां मरेंगे तो मोक्ष होगा, यह मोक्ष नगरी है। तो जैसा कि हमने बताया अपूर्व में कि द्वादश ज्योतिर्लिंग का उद्भव द्वापर काल में काशी में हुआ, उसी क्रम में भगवान भीमेश्वर यहाँ अवस्थित हैं इस क्षेत्र में। प्रत्येक मूर्ति या शिवलिंग, कोई भी विग्रह हो, हमारे यहाँ पौराणिक मान्यता है, व्याख्या है कि उस शिवलिंग का, उस मूर्ति का, उस विग्रह का सेवा पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में वर्णन है भगवान भीमेश्वर के लिए भुक्ति मुक्ति, भोग और मोक्ष, यह दोनों के प्रदाता हैं भगवान भीमेश्वर। मोक्ष के प्रदाता हैं, मृत्यु उपरांत मोक्ष देते हैं। जीवन जितना इनके सानिध्य में व्यतीत हो, इनकी सेवा में व्यतीत हो, तो भोग की प्राप्ति कराते हैं। यह मोक्ष के प्रदाता शिवलिंग हैं, काशी मोक्ष नगरी है। पूर्व काल से, बहुत प्राचीन काल से द्वापर की एक कथा मिलती है। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा में वर्णन आया है 5 अध्याय में, धार्मिक सत्यसंधस्य साधु मोरध्वजो भवत देहार्थम कृकचैश्चित्वा दत्वा मोक्षम अवापः। जो साधु नाम का वैश्य वानिया था,
वह दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। मोरध्वज भी भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का भक्त था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ में उसकी परीक्षा ली। मोरध्वज ने अपने बच्चे को भी करवत से चीर करके उसका दाहिना अंग भगवान कृष्ण को दान किया। करवत हिंदी का शब्द है, करवत का मतलब होता है आरा, लकड़ी काटने का आरा।